गुरमीत सिंह ते तुसीं देख रहे हो वर्ल्ड एशिया टीवी यूर टाइम यूर न्यूज़। जिस तरह के तुसीं जानते हो यूथ फैसटिवल की लड़ी चल रही है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ वालों, तो अज असीं पहुंचे हैं गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन दसूहा डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर। इत्थे थिएटरिकल इवेंट चल रहे हैं, बहुत सारे थिएटर के बच्चे ने, स्किट नाटक पान माइम मिमिक्री चल रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे प्रेजेंट ने, आओ इन्हां नाल गलबात करते हैं। जीतेगा भी जीतेगा, साडा कमलू कॉलेज जीतेगा, जीतेगा भी जीतेगा, साडा कमलू कॉलेज जीतेगा, साडा कमलू कॉलेज जीतेगा, असीं अपने कॉलेज दा नाम रोशन करांगे। चलो मगा मसा दो रुको, आ क्लास बनाया पूरा, ये मेरे भाई को मिला है, ये मेरे भाई को। और दूसरे मैक्सिमम जो बच्चे होंगे ने पहली बार स्टेज पर चढ़े होंगे ने, तो इन्हों की आई थिंक 15 दिन की मेहनत का ही सिर्फ नतीजा है। जो बच्चे फिर भी हर डिफरेंट कॉलेजेस तो सारे आए हैं और सब ने मेहनत की है, सब के कोई ना कोई प्राइज है। मैम जी अपने कॉलेजेस का नाम दसोगे? डीएवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन होशियारपुर। बहुत बहुत मुबारक, तुम थिएटर इवेंट करना है तो बहुत सारे ढेर सारे प्राइज जीत के जा रहे हो, की कहना चाहोगे? सिर्फ ज्यादा बच्चों 9 या 10 दिन मैक्सिमम मिले, इस तो ज्यादा सानू टाइम नहीं मिलिया, जे सानू होर ज्यादा टाइम मिलता तो असीं होर ज्यादा इस तों वधिया परफॉर्म कर सकदे। बट कहिंदे ना लर्निंग प्रोसैस चलदा ही रहिंदा है, तुसीं बहुत कुछ सिखिया है इस प्रोसैस दे विचों, तो फिर तुहानूं बहुत 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 मुबारकां जी। थैंक यू सर। हां जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। बहुत बहुत मुबारकां, तुसीं फर्स्ट प्राइज जीत्या स्किट विच। थैंक यू सर। तुहानूं भी मुबारकां सर। सारा क्रेडिट किन्ना देना चाहोगे तुसीं? असीं जी अम्मा बड़ी सी, असीं तुहानूं सर गुरमीत सर नूं देवांगे, क्योंकि उन्होंने सानूं इन्नी अच्छी प्रैक्टिस करवाई और असीं अज फर्स्ट प्राइज लैके जा रहे हां और अभी असीं एलिजिबल होए अगली यूथ फेस्टिवल में जाने। ए गुरमीत सर तो अलावा और किन्ने नूं क्रेडिट देना चाहोगे? तुहाडे कॉलेज प्रिंसिपल सर, गणेश सर नूं देना चाहवांगे, एंड असीं अपने टीचर्स साडे कॉलेज दे टीचर्स नूं देना चाहवांगे जिन्होंने सानू अपॉर्चुनिटी दी इस यूथ फेस्टिवल विच आन। तो इस तो गान इंटर जनरल होने जा रहा है, तो ओदे उस्ते तुसीं की प्लान करोगे, उत्थे विच कुछ दिन करना तो की प्लान होगा तुहाडा? असीं बहुत ज्यादा मेहनत करांगे, इस तो डबल एंड ट्रिपल मेहनत करांगे ताकि साडा उत्ते जी प्राइज आवे। ओके, होप फॉर द बेस्ट, वी उत्ते तुसीं जीत जाओ। थैंक यू सर। चलो साक्षी जी, तुसीं इत्थे की इवेंट लेके आए हो? ओके, स्किट चल रही है या हो चुकी है? ओके, तो की मैसेज आएगा तुझे स्किट दस्त में? किन्नी की तैयारी की थी अपनी स्किट नू जितने वास्ते या पूरा फंक्शन नू हाईलाइट करने वास्ते? असीं बहुत तैयारी की थी है अपना फंक्शन जितने वास्ते, अपनी स्किट नू जितने वास्ते। ओके, केड़े सर ने जिन्होंने तुहानू ये स्किट डायरेक्शन वगैरह की थी? ਓਕੇ ਫਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡਾ? ਓਕੇ,
इस तो अलावा भी इस फंक्शन दौरान कभी होर पार्टिसिपेट करोगे गाने की? तो आने वाले जनरेशन बच्चे की सिक्ख्या देना चाहोगे, मेन मैसेज देना चाहोगे? साढ़े जुड़ चुके हैं इस यूथ फेस्टिवल यादविंदर समराला जी, आओ इन्होंने गलबात करते हैं। सत श्री अकाल सर जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सर। अजकल जिम्मे देखे जा रहे हैं यूथ फेस्टिवल थिएटर इवेंट्स या होर म्यूजिकल डांस इवेंट्स घटते जा रहे हैं, की कारण मानते हो तुसीं इस चीज़ का? जिहड़ा रीसेंटली कारण हैगा वो तो वंडी जी है भी करोना जिहड़ा हैगा कोविड टाइम हुणे हुणे लंघ के हटिया, क्योंकि हजे भी आपां करोना पीरियड दे विचों ही लंघ रहे हैं। सो इस करके जिवें तीसरे वेरियंट की गल हुई जा रही है, लोग जिहड़े हैगे ने किते ना किते हजे पैनिक ने, इस करके कॉलेज यूनिवर्सिटी जिहड़ियां ने हुणे ही खुल्लियां ने, पर फिर भी जिहड़ी हैगी आ पार्टिसिपेंट हैगे ने, मतलब कि जिहड़े हैगे ने प्रतियोगी, पर कुछ जिहड़े वड्डे ईवेंट्स ने जिवें आपां ग्रुप ईवेंट्स कह लईए, चाहे उहदे विच ग्रुप डांस है, गिद्दा है, भंगड़ा है, या थिएटर दे जिहड़े ईवेंट्स ने खास करके वन एक्ट प्ले, उन्हां दे विच जिहड़ी हैगी जरूर गिणती घटी हैगी आ, एक कारण आ। दूसरा जिहड़ा कारण हैगा वा पिछले कुछ सालों तो जिहड़ा पंजाब दा यूथ हैगा वा वो आईलैट्स करन तो बाद कैनेडा दे विच प्रवास कर रहा वा, इस करके कॉलेजां दे विच स्टूडेंट दी स्ट्रेंथ जिहड़ी है वो घटदी जा रही है, कॉलेजां नूं भी जिहड़ा हैगा वा वो बजट दा जिहड़ियां वड्डियां आइटम्स ने जिन्हां दे उत्ते पैसा खर्च हुंदा उहनां दे उत्ते बजट दा उहनां नूं लगदा कि बजट जिहड़ा है उहनां कोल नहीं सफिशेंट है। सो मैं ये दो कारण मानता हाँ, रीसेंटली जिहड़ा है कोविड दा, और लॉन्ग टाइम दी जे असीं गल कर लईए तां मैनूं नहीं लगदा आने वाले टाइम च भी पंजाब नूं जिहड़ा हैगा वा यूथ फेस्टिवलां नूं खास करके इसे क्राइसिस दे विच मैनूं लगदा रहिणा पैसा। ओके, तुसीं अपने यूथ नूं की मैसेज देना चाहोगे? मैं यूथ नूं मैसेज यही देना चाहूँगा कि ये साल दे विच जिहड़ा है इको ही फैसट आउंदा है यूथ फेस्टिवल, जिन्हों सारिया यूनिवर्सिटियां करवाउंदियां ने, ते ये आपां कहिंदे आल ओवर डिवेलपमेंट है, एजुकेशन स्पोर्ट्स जिहड़ी है वो जरूरी है, एजुकेशन बहुत जरूरी आ, बट उहदे नाल जिहड़ा है जे विद्यार्थी ने स्टूडेंट्स ने उहनां दे सर्वपक्षी विकास आ जिहड़ा उहनां दी आल ओवर डिवेलपमेंट है, उहनां दी परसनैलिटी डिवेलपमेंट आ, तां इहनां यूथ फेस्टिवलां दे विच हुंदी आ, उहनां नूं मतलब ज़्यादा तो ज़्यादा जिहड़ा है इहनां आइटमां दे विच पार्टिसिपेशन करना चाहिए। देखा जाए कुछ पेरेंट्स ने नहीं अलाउ करते लड़कियां नूं या बच्चों नूं भी ना करो यूथ फेस्टिवल, तो उन्होंने पेरेंट्स वास्ते की कहना चाहते? मैनू नहीं वैसे लगता है हुण जिहड़ा है काफ़ी पेरेंट्स ने जिहड़े वो सियाणे हो चुके ने, पहला हुंदा सीगा भी लड़कियां दे लिए चीज़ां थोड़ियां जिहियां उन्हां नूं लगता सीगा भी की रखिया गिद्धे भंगड़े दे विच, की रखिया ड्रामियां दे विच जां स्किटां दे विच, ते पढ़ो बस ठीक है जी, पढ़न तो बाद विआह कर देना, पर नहीं, हुण जिहड़ियां लड़कियां हुण जिहड़े पेरेंट्स हैगे ने सियाणे हो गए ने, वो लड़कियां नूं पढ़ाउंदे भी इस लई ने क्योंकि गांह जा के जॉब करना, ते बाकी जिवें कहिंदे ने कि पंजे इक उंगला इक बराबर नहीं हुंदियां, कुछ पेरेंट्स हो भी सकते ने, उन्होंने मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि यूथ फेस्टिवल जिहड़े हैगे ने बच्चों के वास्ते हुंदे ने, खास करके लड़कियां वास्ते भी हुंदे ने, ते लड़कियां दी भी परसनैलिटी निखरदी आ, सो इस करके उन्हां नूं ये चाहिए है भी बच्चे जिहड़े तीन साल यूनिवर्सिटी के लाउंदे ने फस्ट ईयर सैकेंड ईयर या फिर एम ए दो साल लाउंदे ने, ये चार पाँच साल हुंदे ने लड़कियां दे कोल काम करन वास्ते, ते उन्हां नूं जिहड़ा है जरूर उन्हां नूं इनकरेज करना चाहिए, पेरेंट्स नूं सौड़ी सोच नहीं रखनी चाहिए, नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए। सो थैंक्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच।